आप रहने दीजिए, लेडीज निकाल बेटा, वीडियो नहीं बनाना, फोटो नहीं खींचना अभी। फोटो नहीं, हम देंगे तो फोटो हम दे रहे हैं, आप लोगों ने कोई नहीं फोटो खींचे, हम आपको देंगे फोटो। चलो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, जरूर मिलना। संत श्री साहिल जी महाराज, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय मोदी आर्मी, और पूरी भारतीय मोदी आर्मी की बाकी टीम, लखोत्रा साहब, वैद साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, अतिथिगण, और इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण हम यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकते, गैदरिंग नहीं कर सकते, तो एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हम कुछ लोगों को सम्मानित करेंगे, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय मोदी आर्मी में, कुछ दिन पहले से ही उन्होंने फॉर्म फिल करे हुए हैं, ज्वाइन किया हुआ है, और उसके साथ ही हम अपने विचार रखने के लिए जो हमारे स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दो मिनट के लिए वो अपने विचार आपके साथ साझा करें। जय श्री राम। हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज हमें आपके बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, महसूस कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जो महामारी इस वक्त हमारे देश और विदेश में चल रही है, इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा चिंतित है, देश परेशान है। एक ऐसी वॉर है जिसमें हम सबको मिलके उनका साथ देना है, सहयोग देना है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपने बिल्कुल सोशल डिस्टेंस जो है वो कायम रखा हुआ है, चेहरों पर मास्क है, चार मास्क बांधने का हमने एक प्रोग्राम भी रखा हुआ है हमारे साथियों ने। बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये आप एक जागरूकता जो अपनी तरफ से भी लोगों को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि वक्त की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। भारतीय मोदी आर्मी जो है ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे यूथ प्रेसिडेंट भगत सिंह जी ने आपको बताया होगा, ये सोशल सेवा करती है, और जो भी राष्ट्र हित में हो, क्योंकि हमारे लिए, हम सबके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए, राष्ट्र हमारे लिए पहले होना चाहिए। हमारा यूथ जो है ये तो बलिवान भी जानता है, आप तो जानते हैं, आप सबके माध्यम से ही ये भी जानना शुरू हुए हैं, हम सब जानना शुरू हुए हैं कि भारत हमारे लिए पहले है, हम भारत के लिए काम करते हैं, करते आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि इसमें आप सब भी हमारा सहयोग दें, हमारा साथ दें, ताकि हमारा बल जो है और भी दुगना हो जाए। जय श्री राम। मास्क जो है वो थोड़े बांध देते हैं, तो हाथ में लीजिए। एक और दे दीजिए हमें, बस बस इधर आ जाइए, थोड़ा हाँ, एक दूसरे के बीच में कम से कम ऐसा हाथ का फायदा, मुझे खुजा थोड़ा सा जगह पीछे खुली, दो गज का। मैं इधर ही लगाना फोटो।
अच्छा आप आइए मैडम प्लीज। लक्ष्मी पंता जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। हाथ में बहुत स्वागत है जी। रवि पंडता जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। यूथ प्रेसिडेंट ये आपके जगती की यहाँ पे मंडल कमेटी बनने जा रही है, जो लोग ज्वाइन हुए हैं मास्क ले लीजिए। नेक्स्ट आइए मैडम, आप बुलाइए मैडम है पंता मैडम आप आइए। सीमा जी सीमा मैडम नाम लिखते हैं आप उनको जोर जोर फोटो नहीं खींचना जाना डॉक्टर उधर जो सीरी में आते रहेंगे नाम लिखते रहो। बहुत इंदु जी सर सर ये अपने हैं रमेश जी राणा रमेश जी अजीत कुमार भट्ट हमारे बूथ पर जी बहुत बहुत स्वागत है। मोतीलाल जी सोहनलाल कार रघु सिंह राकेश जी चिकू मुलाकात करेंगे। लॉकडाउन के दरमियान भी मुलाकातें होते रहेंगी, काम चलता रहेगा। जेके फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ राजेश। जिस तरह से देखा भारतीय मोदी आर्मी की तरफ से खुद हमारे साथ स्टेट प्रेसिडेंट बाल सिंह साहिल जी महाराज हमारे साथ और जहाँ से उन्होंने एक नई टीम का गठन किया है माइग्रेंट जिप्सी कॉलोनी में आई हमसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जय श्री राम। जिस तरह से आज जो है आपने आप चैनल जो है नई टीम का गठन किया, किस तरह से देखते हैं आपकी लॉकडाउन को रखते हुए कोविड-19 को जिस तरह से दबाव है ऊपर से पूरे वर्ष पे किस तरह से देखते हैं? आपको बताना चाहते हैं कि आज भारतीय मोदी आर्मी जो है हमने अपनी टीम के साथ मिलकर के माइग्रेंट कॉलोनी है जगती में रोहटा के पास यहाँ पे मास्क जो है वो लोगों में बांटे गए हैं और लोगों को बताया गया है कि सोशल डिस्टेंस आपस में बनाए रखना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि इस महामारी से एक ऐसी वॉर चल रही है हिंदुस्तान की और देश और विदेश में भी, जिसमें हम सबको मिलकर उनका साथ देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और लोगों को भी हम अवेयर कर रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंस बना के नहीं रखते हैं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये महामारी दूसरे को लगी है हमें नहीं लग सकती है। ये महामारी जो है किसी के ऊपर भी आ सकती है, किसी के ऊपर भी इसका प्रभाव हो सकता है। और एक और चीज़ जो लोगों के दिलो दिमाग में होती है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए लेकिन दूसरे के घर में, हमारे घर में पैदा नहीं होना चाहिए। एक ऐसी सोच होनी चाहिए कि भगत सिंह हर एक के घर में पैदा होना चाहिए। और ये भी आके हमने यहाँ पे बताया कि हम सबको मिलके राष्ट्रहित में काम करना है। जी हमारे एक सवाल है, जिस तरह से 8 जून से रिलीजन जो है वो सारे को ओपन कर देंगे, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अनुमति दिया, आपको क्या लगता है कि अभी ये सही राइट टाइम है खोलने के लिए? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी डिसीजन लेंगे हम उनके साथ खड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि देश की जनता को या उनकी आवाम को 130 करोड़ जो आवाम है
हमारे हिंदुस्तान की उनको नुकसान पहुंचे, तो वो बड़ा बड़ा ही अच्छे तरीके से सोच समझ के विचार करके ही वो डिसीजन लेंगे खोलने का। यदि वो लॉकडाउन को खोलते हैं तो वो भी उनका डिसीजन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, यदि वो बढ़ाते हैं तो हम सारे लोग उनके साथ मिलके उनका साथ देंगे। जय श्री। तो ये थे हमारे साथ स्टेट प्रेसिडेंट बासिन संत साहिल जी महाराज। तो इन्होंने सोशल डिस्टेंस का भी देखिए, अब हमने देखा कि हमने कैमरे में कल किस तरह लोगों ने सोशल डिस्टेंस का मतलब किस तरह से न्यू जो टीम है यहाँ पे जगती कॉलोनी में जो है ग्रेफिंग इसी तरह की और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े कैमरामैन ग्रेफिंग के साथ राजेश सिंह। ठीक है, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए